यार एकदम हाथ हाथ पूरा एकदम काम ही नहीं कर रहा मेरा। अब ये देखिए आग जलाए हैं, जा रहे तापने के लिए। ये देख सकते आज का मौसम आप देख सकते हैं कि इस तरह से है भाई साहब। गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो आप लोग कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। हम आपको बता दें कि यार आज ठंडी जो है बहुत बुरा है, इतना बुरा ठंडी है कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त का कोहरा लगा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि कल बहुत जल्दी धूप हो गया था, धूप होने के बाद में इतना ज़ोरदार का हवा चला कि उस हवा की वजह से आज का मौसम इस तरह से दिख रहा है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइडर रूपी सैताइज में। तो चलते हैं आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है। आज बहुत सारा काम है और इस ठंडी में हम सोच रहे कैसे करना पड़ेगा यार। तो बात यह कि मुझे आज जाना पड़ेगा तुलसीपुर, अगर हम नहीं गए तो किसी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शनिवार वाले दिन एक स्मार्ट टीवी बुक किया था जो वो आ चुका है तुलसीपुर में। तो तुलसीपुर से मुझे उसको रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद में फिर घर पर जो है उसका सेटिंग करना है, यानी डिश और केबल जो कुछ मतलब होता है वो सारा चीज़, तो वो चीज़ भी करना है। बाकी उसके बाद में फिर वीडियो भी शूट करने जाना है। अब हम ये सब कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, वो सारा चीज़ आज आप लोग हमारे वीडियो में देखिएगा कि ये काम पूरा मेरा कैसे होता है। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आज पूरा दिन कैसे मेरा काम होगा। बाकी ये व्यू देख सकते हैं आप, इधर कोहरे वाला ज़बरदस्त। अभी यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे खेलने वोलने के लिए गेम, और उससे पहले अभी मुझको वीडियो एडिटिंग करना है। वीडियो एडिटिंग कर लेंगे तो शाम को मुझे फुर्सत रहेगी। तो चलते हैं, पहले वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद में बाकी का काम करते हैं। भाई आज कसम से हाथ वाथ एकदम से काम करना बंद कर दिया यार, आग जलाए हैं, हाथ सेकने जा रहे हैं भैया, बहुत बुरा ठंड है यार, एकदम हाथ वाथ पूरा एकदम काम ही नहीं कर रहा मेरा। अब ये देखिए आग जलाए हैं, जा रहे तापने के लिए। ये देख सकते हैं भैया, ये आग जल रही है, बस अब यहीं पर सेकेंगे हाथ अपना हम। मजा आ गया। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा काम है कारपेंटर के पास, तो वहाँ पर रुकते हैं, कुछ बात करते हैं घर के बारे में, फिर निकलते हैं। ये है दुकान, देखिए यहाँ पर बैठे हैं हमारे सबसे भाई। ये आग वाग तो बारे है सर भाई, जबरदस्त आज ठंडी बहुत तेज है ना। हमारे शमशेर भाई हैं और इनका कारपेंटर वाला काम होता है, बेड मतलब जो भी फर्नीचर में आप काम लेना चाहते हैं यहाँ पर मिल सकता है। ये जूड़ी कुइयाँ चौराहे से यानी रोशन आरा के बगल में, यहाँ पर आप आकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले साल काम करवाया था और इस साल भी काम पड़ गया है, तो ऑर्डर इन्हीं को दिया है। बढ़िया लकड़ी रहता है, उसके बाद में बढ़िया काम भी रहता है, काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे भाई से संपर्क कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इधर देख सकते हैं काम करने वाले सुबह सुबह आ जाते भाई, ये देखिए यही दुकान है इनका। और इधर जूड़ी कुइयाँ है, इधर डॉक्टर रोशन आरा का दुकान है, और ये केसरी बजाज के सामने है। यहाँ पर पहुँचेंगे किसी से भी पूछ सकते हैं आप, तो पूरा एड्रेस हमने बता दिया है, जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आकर संपर्क कर लीजिएगा। हम चलते हैं यहाँ से, बहुत काम है आज हमारा। तो भाई साहब इस जगह को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस दुकान पर पहुँचने के लिए ये देखिए, बाकी ये दुकान है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं भैया, देखिए सब लोकेशन मैंने दिखा दिया है यहाँ पर पहुँचने तक, और चलते हैं घर। और काम तो भैया अभी बहुत है, देखो अगर दुकान खुला होगा तो वो भी काम करते जाएंगे, नहीं तो यार टाइम ही नहीं मिलता दिन में कि हम पछड़ा आ जाए। बहुत बुरा ठंडी है यार भाई आज तो कसम से यार। अरे हवा काम कल चल गए थोड़ा सा ही, कि बारिश आज एकदम से भैया हालत खराब हुई है। तो आपकी बात तो हाथ वाथ एकदम काम कर बंद कही थी सामान। पहले पहुंच चुके हैं घर, और सबसे पहले लगा के मोबाइल चार्ज हो जाए, क्योंकि अभी निकलना पड़ेगा, उससे पहले हम पूरा काम अपना सेट कर दें कि कैसे वो सेटअप बॉक्स और ये एंटीना जो होता है उसको कैसे और कहाँ पर सेट करवाना है वही समझ में नहीं आ रहा है। सीमेंट वाला जाम करवा दें छत पर कि दीवार पे करवा दें, क्या होता है अभी देखते हैं हम, बताते हैं आप लोगों को।
अब ये सारा काम जो है वो करवाएंगे दूसरे से, क्योंकि हम चाहेंगे वीडियो शूट करने। भाई मेरे में काफ़ी उलझा हुआ था कि यार उधर वीडियो शूट करने जाना है, इधर काम घर पे करवाना है, वो टीवी वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं घर से नाश्ता पानी करके उसके बाद में निकल लिया भाई घर से और जा रहा हूँ वीडियो शूट पर। बाकी जो टीवी वाला जो मसला है ना, वो वाला काम मैंने सारा फिट कर दिया है, आगे चल कर बताते हैं अभी थोड़ी देर में। तो टीवी हमारा पड़ा हुआ है तुलसीपुर, तुलसीपुर से हमारा बहनोई लेके आएगा। उसके बाद में उससे हमने सब कुछ बता दिया है कि उसको आप लेकर आइए और उसको पूरा सेट करवा दीजिए, जगह भी घर पे बताया है। यानी मुझे कुछ करना नहीं है, बस वो आएगा उसके बाद में सेट कर देगा और सारा काम मेरा हो जाएगा फिर। नहीं तो भैया मुझे बालू है ढूंढना पड़ता, फिर सीमेंट लाना पड़ता, गिट्टी लाना पड़ता और उसको जाम करवाना पड़ता। तो हमने सोचा यार कि ये वाला काम सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोहे से और वो क्या बोलते हैं किला से ही उसको जाम करवा देंगे दीवार में, उसके बाद में काम फिनिश हो जाएगा, फिर टेंशन रहेगी नहीं। तो ये सारा काम था हमारा, जो अब ना रहने पर भी हमारा काम घर का हो जाएगा। तो हम चल रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए और स्वयं भी आ चुका है बहुत यार रास्ते में, क्योंकि आज ठंडक बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा है और जाने का मन नहीं था, लेकिन यार क्या करें भाई, जाना ही पड़ेगा। रोड का जो इसमें पत्थर था वो साला सब उखड़ने लगा है, अब ये कब बनेगा कुछ पता नहीं है। देखो वो आए थे भाई सिसवा, देख सकते हैं आप। तो अभी थोड़ा हम लोगों के काम में देरी है, वो कुछ देर के बाद में भी स्टार्ट होगा। तो हमने सोचा कि चलते हैं मुबीन भाई के फार्म पे और उसके बाद में मुर्गों का हाल ले आते हैं कि हाँ मतलब मुर्गों की साइज कितनी हो चुकी है। तो अंदर चलकर हम दिखाते हैं और उसके बाद में काका खिलाते हैं भैया, ये घास खिलाओ था यार। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। तो हम साइज चलकर दिखाते आपको कि हाँ मतलब कितने साइज तक हो गए हैं। ये भाई साहब क्या बात है यार, ज़बरदस्त यार, साइज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा हो गया। अरे वाह, बस 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 सही है भाई। तो 15 फरवरी से भाई साहब आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा मुबीन भाई के दुकान पर, और अभी हम नंबर भी दिखा देंगे हम वीडियो में। और यहाँ से देसी मुर्गा आप खरीद सकते हैं, बोलता मुर्गा बाबा के मज़ार पर करने के लिए। तो भाई साहब देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त सीन है यार काले मुर्गों का। यार भाई क्या बात है यार, ये देखिए यार, हाँ जहाँ बताए ना रहे तहाँ वहीं छतरियाँ लगवाई दे। हाँ बस ठीक है, उसके बाद में वही बगलिया से होल कराए दे, होलवा कराओ बाद भी है ना, बस तुझे अंदर बात तरवा दिखा दिए। हाँ ठीक। तो मेले में आने वाले सभी जायरीनों से मैं ये कहूँगा ही कि जिनको मुर्गे की ज़रूरत है वो यहाँ पर मुबीन भाई का मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बाबा का मज़ार यानी नहर के बगल में ही इनका दुकान है, तो यहाँ से आप भाई साहब देसी मुर्गा खरीद सकते हैं। ये देखिए हम पूरा एकदम व्यू दिखा देते हैं एक बार फिर आज अपनी वीडियो में, क्योंकि हमने सोचा था कि चलिए मेले के टाइम पर दिखाएंगे। आपने मुर्गा देख ही लिया है, देसी मुर्गा, करायलर मुर्गा, फाइटर, कड़कनाथ, सब मुर्गा मिलेगा। हर वैरायटी के मुर्गे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, चाहे कड़कनाथ खरीदें, चाहे देसी खरीदें, चाहे करायलर खरीदें, चाहे वो क्या बोलते हैं फाइटर वाला खरीदें, आपको हर मुर्गा यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मैं भाई साहब देसी मुर्गा ही आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिनका मानता है वो अपना कर सकते हैं। अगर और कोई जानकारी आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे। बाकी सब बढ़िया है, अब चलते हैं वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि फोन हमारे पास आ चुका है और मुबीन भाई से थोड़ा सा काम था इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, एक तो मुर्गा चाहिए। चलो ठीक है, 3 किलो वाला काट के धूल धूल के बनाए रखे थे, ढाई किलो। हाँ ठीक है ठीक है, तो बस इसीलिए हम आए थे। तो हमने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी कर दें, हम बता दें, क्योंकि 15 फरवरी से भाई मेला लगने वाला है, तो जो लोग आएंगे वो यहाँ से मुर्गा ले सकते हैं, घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, हम पहुँच गए हैं दोबारा मुबीन भाई के दुकान पर और आपको मुर्गा ऐसे मिलेगा देसी वाला। ये देखिए ये भुजाई कर रहे हैं इसका, अब बताइए इसमें जो टेस्ट मिलेगा ये क्या कहना यार भाई साहब। तो बस मेले में आइए और मुर्गा ले जाइए यार। हाँ देखिए अब इसको भूत देंगे बढ़िया से, उसके बाद में फिर इसका पीस बना देंगे, काम हो गया। आयल देखिए इसका,
कितना तेज निकल रहा है, ये बहुत तेल है भाई, बहुत तेल है, तेलवे से बढ़ते हैं, बड़े भूज भाई बड़ो भूज है ना। मुर्गा भाई साहब मोबिन भाई ही खिलाते हैं यार, ये एक नंबर का सही बता रहे हैं, बाकी कोई दुकानदार इस तरह से करके नहीं देगा जिस तरह से हमको दे रहे हैं। ये देखिए बहुत मेहनत करके तब जाकर मतलब ये बना के देते हैं मुझे, बाकी कोई करेगा ही नहीं, बस हो गया सब काट पीट दे उसके बाद में काम ख़त्म। भाई साहब सारा काम मेरा फाइनल हो गया यहाँ से और अब निकलते हैं घर। ये मोबिन भाई लड़का है, जैसे कैमरा ऑन करता हूँ तुरंत पहुँच जाता है ये, हाँ मुर्गी काटो तुम, तो चलते हैं भैया घरे। और घर पर भी बहुत काम है, बताया था कि सुबह चले आए थे इधर और सारा सामान आना था उसको लगाना था, तो देखे कहाँ सेट हुआ कहाँ नहीं सेट हुआ क्या नहीं हुआ वो सारा चीज़ दिखाते हैं घर पर। हम चलते हैं, घर पहुँच चुके हैं और उसके बाद में चलते हैं देखते हैं कमरे में। अरे वाह यार क्या बात है भाई, ये ज़बरदस्त है। एक मिनट भाई रुक जाओ, पहले चेक करते हैं, ये सैमसंग स्मार्ट टीवी, कहाँ दिखाई दी सोई कौन भी बता रहे। तो जरा सोचिए आने वाले कुछ सालों में इनकी आंखें कितनी कमजोर हो जाएंगी। तो बढ़िया है, देखते हैं एंटीना कहाँ पर लगाया हुआ है, बाकी सब बंद कर देते हैं, अभी चलते हैं छत पर। अब इसके लिए मुझे पूरा दिन घर पे रुकना पड़ता और जान लीजिए कि सारा काम मेरा आसान हो गया। हाँ बहनी हाँ चला था बढ़िया। तो पहुंच गए हैं छत पर और उसके बाद में ये देखिए भाई साहब क्या बात है यार, कहाँ लगाई दी से हो, ये तो देवलियम सेट कही दी सी कहा, वाह भाई वाह, अरे गिरे उरे ना, ये कौन मेरे जाम किया है यही पर भैया जाम है ना मजबूत रही भाई है, लेकिन तरवा गलत जगह से ले गया है यार, तरवा इसी लगे हम कह रहे हो ही कोनोप लगाई दे तब ठीक रहा, बस अंदर खींच लेते, खैर ठीक है कोई बात नहीं सब बढ़िया है। तो आज का काम जो भी हमारा था वो सारा काम फाइनली हो चुका है, बस थोड़ा सा दिमाग खर्चा किया उसके बाद में पूरा काम किए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, जो कुछ था वीडियो में हमने दिखा दिया आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करिए भाई, मिलते हैं फिर दोबारा, ठीक है ओके बाय।